माता रानी का समझिए तो पूरा दिल यहाँ से दिख रहा है। देखिए गंगा मैया का नजारा। यहाँ अंदर में चार चक्का पार्किंग है, मेन गेट है। गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइज अभी मैं कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, जस्ट वहाँ पहुँच चुका हूँ। कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। देख सकते इधर सब दुकान प्रसाद मिल रहे हैं। चलिए आपको दक्षिणेश्वर मंदिर आज दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आपको लेकर आएंगे और दिखाएंगे। और दक्षिणेश्वर मंदिर आने के लिए आपको मेट्रो ट्रेन या लोकल ट्रेन दोनों से आ सकते हैं, हावड़ा से, कोलकाता से, जहाँ से भी चाहें। ट्रेन सुविधा है, बस की भी सुविधा है। दक्षिणेश्वर मंदिर माँ काली के लिए प्रसिद्ध है। गाइस अभी आ गए दक्षिणेश्वर मंदिर के गेट के अंदर। ये पीछे में जो दिख रहा है ये मेन गेट है, और इधर सामने में देख सकते हैं माता रानी का दरबार। तो चलिए दिखाते हैं अच्छा से आपको। देख सकते हैं मेन गेट है और कितना लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा डेली कम से कम 10,000 लोग आते हैं। सामने में मंदिर दिख रहा है, इधर में देखिए सब आने जाने का रास्ता है। और यहाँ से देख सकते हैं मंदिर का व्यू। हाँ, जूता चप्पल जमा किया जाता है तभी मंदिर के अंदर एंट्री होगा। इधर में देखिए धूप इस साइड है तो कितना अच्छा इधर का व्यू आ रहा है। ये फूड प्लाजा है, इसमें आकर आप स्टे कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, होटल भी है ऊपर रहने के लिए। और ये पूरा व्यू रहा है यहाँ का दक्षिणेश्वर मंदिर का। पहले गाइज अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर पूजा करने। तो मंदिर के अंदर जाने के वक्त आपका मोबाइल फ़ोन जूता चप्पल सब जमा हो जाता है। तो चलिए फिर पूजा करके आते हैं। तो इधर बाहर में आपको दिखाते हैं, और नदी भी है, वो भी सब चीज़ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। गाइज अभी प्रसाद ले रहे हैं के सामने में आएगा तो आपको प्रसाद ही सब दुकान देख सकते हैं। चारों ओर हर जगह प्रसाद मिल जाएगा, 50, 100, 20, 40। गाइज हमने प्रसाद ले लिया, अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। गाइज अभी हमने दर्शन कर लिया दक्षिणेश्वर माता काली का। और ये जो दक्षिणेश्वर माता काली जी है ना, ये बोला जाए तो थावे वाली मैया और बहुत जगह है वो रुकी थी, वही ये मैया है जो काली जी आकर काली घाट कोलकाता में मतलब अस्थाई हो गई है। नहीं तो जितने भी ये थावे वाली माँ है चाहे और जो भी हैं, सब यही एक ही हैं। बस ये जहाँ जहाँ रुकी हैं वहाँ वहाँ इनका स्थान बना दिया गया है। और इधर में चार चक्का पार्किंग है, और ये सब प्रसाद लेने वाला दुकान है। और ये देख सकते हैं ग्राउंड है, चारों तरफ आके आप घूम सकते हैं। सामने में मंदिर है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चौराहा बनाया गया है। सुबह सुबह आना पड़ेगा, तो सुबह से ये चालू रहता है 1 बजे तक, 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर आपको शाम को 4 बजे ही खुलेगा। दर्शन करना हो तो 1 बजे से पहले आना पड़ेगा। और फिर चलिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ गंगा मैया है जो पीछे से एकदम गुजरी है, उसमें आप स्नान कर दर्शन कर सकते हैं। ठीक, ये मंदिर का पीछे का नज़ारा है। इधर बहुत अच्छा छांव है, इधर आप क्या आकर आराम कर सकते हैं। और वो सामने से इस साइड उतरने वाला है सीढ़ी जो गंगा मैया में जाए। देखिए गंगा मैया, चलिए गंगा मैया के पास आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ। ये काली माता के ठीक सामने छोटे छोटे जो मंदिर है ना, ये भगवान शिव का मंदिर है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 में सिर्फ शिवलिंग का स्थापना किया गया है, 9 शिवलिंग यहाँ पे बड़ा बड़ा स्थापना किया गया इन मंदिर में। जा गए अभी हम घाट पे, देखिए पीछे में लोग स्नान कर रहे हैं और फिर दर्शन करने जा रहे हैं। और वो सामने में ब्रिज भी है, उधर से आपको देखिए बोट भी मिलती है जो कि बेलूर मठ लेके जाती है। पहले यहाँ से देख सकते हैं मंदिर का व्यू। यहाँ पे सभी लोग, ये देखिए गंगा मैया, यहाँ से अब बोतल में पानी लोग ले जाते घर पे। ये देखिए गंगा मैया का नज़ारा यहाँ पे कितना सुंदर है, काफ़ी लंबा एंड चौड़ा भी। ये आपका ब्रिज है, यहाँ पे आकर आप पिक भी ले सकते हैं, काफ़ी फैंटास्टिक पिक इस जगह पे आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू। देखिए पीछे में फ़ोटो शूट कर रहा है लोग। माता रानी के कृपा से मैं यहाँ पे दूसरा बार आया हूँ। एक बार आया था 2019 में और दूसरा बार 2024 में अभी जस्ट आया हूँ। और माता रानी का कृपा होगा तो और भी आगे आता रहूँगा। और चलिए एक जगह से हम आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं, जहाँ पे एकदम फैंटास्टिक जितना अभी तक दिखाया उससे बेहतरीन वहाँ से
मतलब माता रानी का दरबार आपको दिखेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। फाइनली गाइस, जिस मैं जगह की बात कर रहा था कि जहाँ से मंदिर एकदम खूबसूरत, यानी माता रानी को देखिए तो एकदम साक्षात रूप दिखेगा। तो मंदिर देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना लाजवाब ये मंदिर यहाँ से दिख रहा है। माता रानी का समझिए तो पूरा दिल यहाँ से दिख रहा है। तो कितना सुंदर दिख रहा है। और एक ये जो व्यू है, ये मंदिर के अंदर का व्यू है। यहाँ पे तालाब है, ये सामने में माता रानी का दरबार, और उस साइड से मैंने वीडियो जो दिखाया था उस साइड में आपको गंगा माता। तो देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यू है, गंगा माता इधर, तालाब, और बीच में ये माता रानी, कितना अपरंपार है ये। यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मतलब काफ़ी आपको सुकून यहाँ पे मिलेगा आने के बाद। देख सकते हैं ये व्यू कैसा है माता रानी का यहाँ पे, जय माँ काले। ये आपने व्यू देख लिया तो समझिए कि माता रानी से आपका दर्शन हो गया। फाइनली गाइज, मैंने टोटली यहाँ का व्यू आपको दिखा दिया, जहाँ जहाँ से सुंदर दिख रहा है ये मंदिर वहाँ वहाँ से जाकर मैं आपको दिखा दिया। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कि फाइनली गाइज, जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इससे भी अच्छा ब्लॉग लेके आएंगे अगले ब्लॉग, कलकत्ता के कोई और फेमस प्लेस। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी अच्छे अच्छे फेमस तीर्थ यात्रा और फेमस फेमस प्लेस को हम आपको दिखाएंगे। बंगाल का ही नहीं, अभी बंगाल से आगे हो सकता है कल कहीं और जाएं, वहाँ भी दिखाएंगे। तो बंगाल के अलावा इससे भी और राज्यों में फेमस फेमस जगहों का मैं ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देखें। और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कैसा है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।